नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धासु बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 20। और ये 20 आज बस हो जाएगा, बस आज इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा डिफिकल्ट विषय माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा से लेक्चरों की जो संख्या है वो ज़्यादा चली गई है। लेक्चर्स की संख्या पर ध्यान ना दें, और कहा जाता है कि कभी कभार क्वालिटी के चक्कर में हमें क्वालिटी को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब हम कहीं देखते हैं ना कि कोई वस्तु लेते हैं और देखते हैं ना क्वालिटी बहुत अच्छी, और अगर वो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी लेता है तो हम दे देते हैं। क्वालिटी पर हम हर चीज़ को साइड में कर देते हैं और क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं। इसी प्रकार से आपको बेस्ट, जो बेस्ट चीज़ होती है वो मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए आप लेक्चर्स पे ध्यान ना दें और लेक्चर्स देख करके डरे नहीं और 20 लेक्चर्स पढ़ने दें, ठीक है? ऐसे डरना नहीं है, इनके वन शॉट्स भी आएंगे समय आने पर, ठीक है? परंतु जब तक आप इन लेक्चर्स को देखें, हर चीज़ को विस्तार से और बड़ी ही आसानी भाषा में आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करा गया है। पर आज लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गुरु जी? आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ, ठीक है? मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां, ये आज हमारा टॉपिक है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। अभी तक आप लोगों ने मांग को समझा, डिमांड को समझा, मांग के नियम को समझा, और फिर मांग की लोच को भी आप लोगों ने समझा, जब ये कहा गया कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से एक वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है, कितना प्रतिशत का चेंज आता है, इसको हमने मांग की लोच का नाम दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दिया। उसमें आपने 5 श्रेणियां, 5 कैटेगरी पढ़ी। ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब ईडी अनंत है। फिर पढ़ा ईडी इज ग्रेटर देन 1, फिर ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी लेस देन 1 और ईडी इज इक्वल्स टू 0। 5 श्रेणियां आपने पढ़ी। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो मांग की लोच है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी हम लोग लास्ट के लेक्चर में जान चुके हैं। आज हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे कि ये जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको किस किस प्रकार से मेजर करा जा सकता है, कैसे कैसे पता लगाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि मांग की लोच की गणना कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि मांग की जो लोच है वो, ये जो सिद्धांत दिया है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई मांग की लोच से पता चलेगा कि वस्तु में कीमत बढ़ने से जो गिरावट आ रही है मांग में वो कितनी आ रही है, और वस्तु की कीमत गिरने से मांग में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितनी हो रही है। परंतु अब जो विधियां हैं, जो तरीके हैं वो देखते हैं। तो यहां पर 3 तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। कौन सी विधि है? आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ये वही विधि है जिसको अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं और जिसके कुछ जो संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, ये वाले फॉर्मूले से ही हम गणना कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक का मतलब होता है रेशियो के हिसाब से। अब देखिए रेशियो कैसे लिखा जाता है, इसे मैंने लिखा 5/2, ठीक है? ये क्या हो गया, ये रेशियो आ जाएगा, तो 5:2 ये रेशियो। प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है, 5/2 इसको 100 से गुणा कर दो, ठीक है? तो इसको आपने करा 50, ठीक है? और फिर ये जो भी आपका 250 के समथिंग जो भी आंसर आता है वो, तो ये प्रतिशत में आपका आंसर आ जाता है। आनुपातिक या प्रतिशत विधि इसको कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आनुपातिक के नाम से आता है, प्रतिशत के नाम से आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूसरा होता है ज्यामिति विधि, या जिसे ज्योमेट्रिक जो मेथड है वो भी कहते हैं, इसको बिंदु विधि या पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। ये मतलब पूरा का पूरा एक वक्र पे ही सॉल्व होता है, एक वक्र पे आप पूरा बता देते हैं कि वहां पर ईडी बराबर 1 की होगी, बराबर 0 की होगी, अनंत के बराबर होगी, 1 से ज्यादा या 1 से कम होगी। फिर लास्ट वाला हम पढ़ते हैं कुल व्यय विधि। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्चा है वो कितना करा है, उसके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरा है ज्यामिति विधि, बिंदु विधि जिसको कहा जाता है, और तीसरा है कुल विधि या टोटल एक्सपेंडिचर, या इसको कभी कभार इंग्लिश में टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। अब हम पहली विधि पर शुरुआत करते हैं। पहली विधि है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि इस विधि में मांग की कीमत लोच है। देखो मैंने आपको जो मांग में लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो 3 प्रकार से बताया था कि यार एक तो क्या होता है बच्चों, कि प्राइस में चेंज आ जाने से,
कीमत में परिवर्तन आने से मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है वो है। दूसरा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी बताई थी, याद करिए क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने क्या बताया था कि संबंधित वस्तुओं की में चेंज आने से, उनकी कीमत में चेंज आने से वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आता है ये। और तीसरा अपन ने बताया था इनकम वाला, जिसमें उपभोक्ता की जो इनकम है उसमें परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है, कितना चेंज आता है, ये वाला। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है, ये वाला है। अभी आपके कोर्स में 12 तक जो चीज सीमित है वो ये वाली है, प्राइस तक है। इसलिए लिखा जाता है मांग की कीमत लोच, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि कीमत में परिवर्तन आने से मांग में कितना परिवर्तन आता है उसकी लोच बताइए। तो इस विधि में मांग की कीमत लोच, मांग में आनुपातिक के जो प्रतिशत परिवर्तन होता है का कीमत में आनुपाति के प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होता है। तो यही तो बात हम लोग कह रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। यही इसने कहा कि मांग में आनुपातिक के प्रतिशत परिवर्तन आता है उसको कीमत में आनुपातिक के प्रतिशत परिवर्तन से क्या देना है, भाग देना है। तो फिर आपका ये आ जाएगा। और यहां पर हम आगे क्या लिख देते हैं, हम आगे लिख देते हैं ईडी, यूं लिखते हैं बेटा, ओके। तो ये हमारा आनुपातिक के प्रतिशत विधि होती है। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो यहां पर लैंग्वेज लिखी हुई है बेटा, ये लैंग्वेज बिल्कुल एनसीईआरटी की है। कोशिश करिएगा जब जब आप सूत्र लिखें तो ये सेम टू सेम वाली जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का आप प्रयोग करें। क्या है, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब वस्तु की जो मांग है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, ये आप लोग लिखें। अगर नहीं एग्जैक्ट ऐसी नहीं लिख पाते हैं लैंग्वेज तो थोड़ा सा ऊपर से लिख अपने मन से, वस्तु की जो मांग है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ओके। ये सब कुछ अपन ने लेक्चर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं अपन। अब देखिए, अब उसका जो इजी वर्जन है, उस फॉर्मूले का इजी वर्जन अपन लोग निकालते हैं। ये आप लोगों के लिए है, बिल्कुल लिखा हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। अब इजी वर्जन में अगर मैं आपको समझाऊं उसका इजी वर्जन क्या है, उसने क्या कहा कि जो डिमांड है उसमें कितना पहले परिवर्तन आ रहा है। तो डिमांड के परिवर्तन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि भैया परसेंटेज चेंज इन डिमांड और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डिमांड में चेंज का मतलब ये है कि भैया मेरी जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो मेरी क्वांटिटी है उसमें से मैं जो नई क्वांटिटी में से मैं पुरानी वाली क्वांटिटी को माइनस कर दूंगा और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो मैं नीचे रख लूंगा, ठीक है, यही वाला करते हैं ना। तो ये भी इसने यही कहा। Q1 क्या है, Q1 जो आपकी नई मात्रा है, न्यू जो मात्रा आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले आप 1 किलो फल खरीद रहे थे, अब आप 1.5 किलो खरीद रहे हो, तो 1.5 किलो आपकी क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी, नई मात्रा हो जाएगी। और क्यू जो दर्शाया गया है ये पुराने से दर्शाया गया, जो पुरानी मात्रा थी। और हमने यहाँ नीचे भी क्या रखा है, क्यू रखा, मतलब नीचे पुरानी मात्रा आती है। उसके बाद आप प्रतिशत वाले में आ जाओ, प्राइस वाले में, P1 - P और बटा P, और ये P1 क्या है, जो नई प्राइस है। जैसे मान लो 10 से 15 रुपये हो गए, तो 15 रुपये माइनस जो पुराने वाली जैसे 10 रुपये और फिर नीचे भी 10 रुपये आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को और भी शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं, चेंज इन क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है। अब क्वांटिटी में ये वाला बदलाव हुआ है इसके डिवाइडेड बाय क्यू। उसके बाद फिर यहाँ पर चेंज इन पी, पी में कितना चेंज आया है, और जो ओरिजिनल पी था मतलब जो शुरुआत से जो कीमत थी, जो प्राइस थी, वो यहाँ आ जाएगी। अब हमारा नियम ये कहता है कि ये इसके पास जाएगा, फोर्थ फर्स्ट के पास और थर्ड सेकंड के पास। तो चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन चेंज इन पी क्यू, ये आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से अब जो हमारा सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि क्यू हमेशा ऊपर, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ये देख लीजिए, ये मैंने आपको दर्शाया भी है, ये वाला पूरा फॉर्मूला आपका सेम टू सेम वहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको फॉर्मूले थोड़े से डेरिवेट करना भी आना चाहिए कि उनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। बच्चों जब भी आपके पास कोई संख्यात्मक सवाल आता है, इसका चांसेस कम होते हैं, वैसे देते भी हैं कुछ बोर्ड्स, जब हम CBSE में पढ़ते थे तब तो आता था, ठीक है ना। पर अब हम पढ़ते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत पुराने समय की बात है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। तो जमाने वाली बात नहीं है, मैं भी बिल्कुल अभी तो
बचपन का ही दौर चल रहा है मेरा भी, ठीक है ना। तो कुछ समय पहले की बात है, जब आया करते थे, अब शायद कम हो गए, न्यूमेरिकल्स नहीं देते हैं, पर आप लोगों की तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से आया है वो आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया गया है। अब चलो एक उदाहरण भी कर लेते हैं। उदाहरण बोला, माना कि अनार की कीमत 100 रुपये। अब देखो यहाँ पे लिखते जाना, ओरिजिनल जो प्राइस है वो 100 रुपये, अनार की उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। जब ये 100 रुपये कीमत है तो वो 250 ग्राम मांग रहा है, कितनी, 250 ग्राम अनार ले रहा है। एक तो किताब वालों को अनार से, केले से, इनसे बहुत प्यार है, ठीक है ना। ये लोग है ना शहद बनाने वाले हैं, कि ताकतवर बनाएंगे बच्चों को, जो नहीं, वैसे सच भी है, हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है बच्चों। जब हम कोई भी उदाहरण देते हैं, कुछ भी देते हैं, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अगर आज किताब वाले अनार का, केले का प्रभाव, तो एक अच्छी बात है। और अगर इन चीज़ों, हाँ भाई, अनार अनार से अनार खानी भी चाहिए, केले भी खाने चाहिए, एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जब अनार की कीमत शुरुआत में 100 रुपये थी, फिर 250 ग्राम खरीद रहा था, जब अनार की कीमत घटकर मतलब कम हो गई, जो नई प्राइस आई है, नई प्राइस इसको हम P1 बोलेंगे, वो क्या होगी, 50 रुपये, और उस पर नई जो मांग है वो क्या आएगी, 750 ग्राम, मतलब Q1 कितनी हो जाएगी, 750 ग्राम हो जाएगी। इसमें प्रतिशत विधि, क्या बोला, प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच ज्ञात करिए, प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच ज्ञात करिए। अब सबसे पहले तो मांग की कीमत लोच के लिए हम ये कह देते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, उसको चेक कर लेते हैं। मांग का नियम ये कहता है भैया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ेगी। क्या ये बात सत्य हो रही है, प्राइस गिरी है तो डिमांड बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। 100 रुपये से 50 रुपये प्राइस कम हो गई, कीमत कम हो गई, 250 की जगह 750 ग्राम, 500 ग्राम एक्स्ट्रा व्यक्ति खरीद रहा है। तो आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में क्या लिखोगे, वस्तु की मांग में, मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो बोल देंगे गुरुजी आपने ही नहीं लिखा था, वस्तु की मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, जो भी आप लिखना चाहे, आनुपातिक लिखना चाहे तो आनुपातिक लिख दीजिएगा, प्रतिशत परिवर्तन लिखना चाहे तो प्रतिशत परिवर्तन लिख दीजिएगा। फिर नीचे वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, चलिए। अब इसी से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जो फॉर्मूला लेकर के आते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q1 माइनस Q अपॉन Q अपॉन P1 माइनस P अपॉन P, ठीक है। हमेशा ये साइड में ED चलता रहना चाहिए, ED को मत हटा दीजिएगा, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स हटा देगा। उसके बाद अब जैसे सबसे पहले अगर Q1 में देखूं, Q1 मेरा कितना है भाई, 750 ग्राम, और क्यू कितना था, 250 ग्राम, ओरिजिनल कितना है, 250 है। तो ये एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए बेटा। अभी ग्राम ग्राम है तो ग्राम ग्राम सही है, ठीक है, रुपए रुपए है सही है, ठीक है, मीटर मीटर हो सब सही है, लीटर लीटर हो सब सही है। पर कोई ऐसा हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर 250 ग्राम हो, जैसे मान लो कि 250 ग्राम और ये बोल रहा है 2 किलो, तो सबसे पहले आपका जो फर्ज बनता है वो दोनों को समान करना, बराबर बनता है, ठीक है, कि बराबर करो, क्योंकि अपन पॉलिटिकल साइंस वाले, सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, तो अपना फर्ज बनता है कि सबको समान रखे, बराबर रखे, किसी में ऊंच नीच ना देखे। ये ग्राम में, वो किलोग्राम में, बड़ा हो गया तो बड़ा नहीं चलेगा भैया। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे और फिर पता लगाओगे 2000 ग्राम, हाँ तो तू भी ग्राम, तू भी ग्राम, चलो दोनों बराबर, अब दोनों तुम भाई भाई। तो ऐसे यूनिट जो है, इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए, वो बड़ी आवश्यक बात है, नहीं तो आंसर में हेरा फेरी हो ही जाएगी। तो 750 ग्राम, 250 ग्राम, 250, अब प्राइस पे आ जाओ, ओरिजिनल नई प्राइस कितनी है, 100, नई प्राइस है हमारी 50 रुपये, नई प्राइस जो है 50 रुपये है, ओरिजिनल प्राइस थी जो 100 रुपये है, डिवाइडेड बाय 100। चलो अब हम आगे और आ जाते हैं। अब जब आगे हम चलते हैं इसमें, तो ईडी 750 में से 250 गया, 500, ये 250। अब यहां पर देखो माइनस 50 आ रहा है, परंतु उस माइनस 50 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए चिंतित बिल्कुल भी ना हो। माइनस लगाए तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। अब नियम जो है हमारा वो ये कहता है कि भैया 500 और ये अपना 250, ये फोर्थ वाला इसके पास जाएगा 100
और ये स्टेप आ जाएगा 50, ठीक है। अब इसको काटा पिटना शुरू कर दो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, ये जीरो वाला इधर भी कट सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन ने 100 को पूरा खत्म कर दिया, 5 एकम 5 और 5 100, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 100 बटा 25, ठीक है। अब 25 का पाड़ा बोलो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौक 100, और नहीं हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिवाइड देकर के भाग देकर के भी देख सकते हो। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहा है, 4 आ रहा है। 4 आने का मतलब क्या है कि ED is greater than 1। तो यहां पर जो मांग है वो कैसी है, लोचदार है। मांग लोचदार होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो वस्तु की मांग है वो कीमत की परिवर्तन की तुलना में ज्यादा है, मतलब कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में वस्तु की जो मांग है उसमें परिवर्तन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो दोनों की जो परिवर्तन है वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर ये वाला है, ठीक है, यहां पर ये वाला है, तो जैसे 500 ये आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 200% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्राइस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 50% चेंजेस होगा तो वो आप निकाल सकते हैं जो प्रतिशत है वो। चलिए तो ये हमारा एक हो गया। अब दूसरा है ज्योमिति विधि, या जिसको ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड भी उसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है, ज्योमिति विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना में किया जाता है। मांग वक्र बनाया जाएगा, डिमांड कर्व बनाया जाएगा, फिर उसके बिंदु पर, ठीक है, जो उसका बिंदु है उस बिंदु की कीमत पर लोच की गणना की जाती है कि भैया कैसे। ये देखिए अब आ जाइए, अब ये वाला आपके को समझाने के लिए है। यहां पर ये एक वक्र बनाया गया है, इस वक्र पर देखिए 4-5 पॉइंट है, ए पॉइंट है, एन पॉइंट है, पी पॉइंट है, एम पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं है, इसलिए ढूंढने का प्रयास मत करिएगा। इधर कीमत दिया हुआ है, इधर मांग की मात्रा दी हुई है। अब देखो इसने क्या कहा है, चित्र में ए बी एक सरल रेखीय मांग फलन है। तो ये ए बी वाला पूरा क्या है, एक मांग फलन है। मांग फलन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन क्या है, ऐसी चीजें जो मांग को प्रभावित करने वाली हो, जैसे कि वस्तु की स्वयं की कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान, भविष्य। परंतु जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है तो सभी के सभी स्थिर रहेंगे, तो इसलिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से मांग में क्या परिवर्तन आता है, उसको मांग वक्र कहा गया है, मांग फलन है। जो इस मांग वक्र को दो हिस्सों में बांटता है, पी बी निचला हिस्सा तथा पी ए ऊपरी हिस्सा। पी देखो यहां पर एक बिंदु है, पी जो है वो एक बिंदु है, और ऐसा बिंदु है बच्चों जो क्या है, बिल्कुल सेंटर में, कहां है, बिल्कुल सेंटर में, जो कि दो भाग करता है, इस लाइन के दो भाग करता है। एक भाग हो जाता है पी ए वाला और एक भाग हो जाता है पी बी वाला, ठीक है, दो भागों में बिल्कुल बराबर उसको बांट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि भैया आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, और इस सड़क में जो डिवाइडर बनाया जाता है बीच में, ठीक है, ये डिवाइडर क्या करता है, सड़क को दो बराबर भागों में बांट देता है। जनरली होता नहीं है, वैसे कोशिश होती है कि वो बराबर भागों में हो, पर एक उदाहरण के तौर पर ये मीडियन है, ये दो बराबर भागों बांट देगा, आधा इधर आधा इधर, तो ये क्या हो गया, बीच के पॉइंट हो गया है। इसी प्रकार से देखो आज हमारा शरीर है, तो ये हमारा शरीर है, इस आप में चलोगे तो ये क्या है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है। इससे करोगे तो आप दो बिल्कुल बराबर जो भाग होते हैं उसमें बट जाता है व्यक्ति। तो ये जो पी वाला पॉइंट है ये इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में है, ये इसलिए इस लाइन को दो भागों में बांटता है, पी ए और पी बी वाली लाइन में। पी बिंदु पर लोच का माप मांग वक्र का निचला हिस्सा तथा मांग वक्र के ऊपरी हिस्से का अनुपात होता है। मतलब इसने क्या बोला है कि पी बिंदु पर जो लोच का माप करोगे वो कैसे करोगे, वक्र का निचला हिस्सा। वक्र का निचला हिस्सा मतलब पी बी, मतलब हमेशा आप जब भी यहां पे लिखोगे तो निचला हिस्सा ऊपर लिखोगे पी बी, और ऊपरा हिस्सा है वो नीचे लिखोगे। मतलब गोल सब कुछ हेरा फेरी है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ये नीचे वाला है ये कहां लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही बात बोली है कि पी बिंदु पर हम निकालने के लिए ये करेंगे। जैसे कि अब इसने अर्थात में बोला है ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, पी बिंदु पर होगा। पी बिंदु पर कैसा होगा, पी बी बटा पी ए। अब यहां पर क्या है, ये दोनों बराबर में बांट रहा है, तो दोनों जो बराबर में बट रहा है तो किसके बराबर आ जाएगा, वन आ जाएगा। और वन के बराबर आने का मतलब क्या है, ED इक्वल्स टू यहां पर वन है। मतलब जो यहां पर मांग की कीमत लोच होगी वो कैसी होगी, एक होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना बच्चों, ये दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब प्राइस भी उतनी है और डिमांड भी उतनी है, ठीक है, क्लियर यहां तक बात। अब हम अन्य पॉइंटों पर भी चर्चा कर लेते हैं।
जो कि पी बिंदु इस मांग वक्र का मध्य बिंदु है, अतः निचला हिस्सा बराबर ऊपरी हिस्सा, अतः इस बिंदु पर पी पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो तब क्या होता है, एक आता है, जैसे मैं लिखूं चार बटा चार, दोनों को काटा चार एकम चार, चार एकम चार तो बचा क्या एक, मैं बोलूं दस बटा दस तो मैंने बोला दस एकम दस तो एक, तो जब ऊपर वाला और नीचे वाला जब बराबर हो तो दोनों का फिर तो एक ही आएगा ना बच्चों। चलो अब हम दूसरे पॉइंटों को देखते हैं। अब इस पर देखो, अब अपन इस वाले पॉइंट का तो अपन ने डिस्कशन कर लिया, अब जैसे मान लो कि मैं एम बिंदु को मानता हूं, एम पॉइंट पर लेता हूं, ठीक है, अब एम से क्या बोलते हैं कि नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा एम बी, नीचे वाला क्या है एम बी, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा एम ए, एम ए, ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना एम बी। अब देखो मैं जो पॉइंट पे मेरा फोकस है वो एम पर ध्यान रखना, एम बी निचला वाला ऊपर लिखा जाएगा और ये एम ए ये आ गया। अब इसमें हमेशा ध्यान रखो ये वाला एरिया छोटा है या ये वाला छोटा है, तो आपको साफ दिख रहा है ये वाला छोटा है, और जब जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है डिमांड होती है, फॉर्मूले में बताया ना कि डिमांड में चेंज और प्राइस में चेंज, तो ऊपर वाला क्या होता है डिमांड होता है, इसका मतलब ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, मतलब प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कम आ रहा है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो वो बेलोचदार वाली स्थिति होती है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे ईडी इज लेस देन वन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एम के बिंदु पर यहां पर जो मांग की लोच होगी वो कैसी होगी, ईडी लेस देन वन होगी, ठीक है, तो यहां पर आपको इसको किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको लिखना कुछ इस प्रकार से है कि ईडी एम बिंदु पर, क्या लिखोगे ईडी एम बिंदु पर, और फिर जो अभी अपन ने लिखा एम बी बराबर एम ए, और ये क्या दर्शाता है ईडी इज लेस देन वन। इसमें फिर चाहो तो आप शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हो कि एम बी का जो है एम बी छोटा है और एम ए बड़ा है, और इस रूप में दर्शाया जाए तो ये ईडी लेस देन वन होगा। फिर चलो अब दूसरा पॉइंट ले लो, अब हमने पी बिंदु को देख लिया, एम बिंदु को देख लिया, अब चलो बी बिंदु को देख लेते हैं। अब अपन कहते हैं ईडी इजिकल्स टू ईडी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कौन से बिंदु पर ध्यान है, अब हमारा बी बिंदु पर ध्यान है, बी बिंदु पर। अब बी बिंदु की तरफ देखूं तो मैं कहता हूं निचले वाला हिस्सा, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, और ऊपर का पूरा हिस्सा है बी ए, ऊपर जीरो है नीचे बी ए है। अब जब हमारा ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो जब भी किसी चीज को जीरो से भाग दोगे तो जीरो आंसर आएगा, तो यहां पर आंसर जीरो आएगा, इसका मतलब क्या हो गया ईडी बराबर जीरो, ईडी बराबर जीरो, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए पर मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ऊपर क्या दर्शाती है मांग दर्शाती है, नीचे कीमत दर्शाते हैं, तो ऊपर मांग में तो परिवर्तन जीरो दर्शा रहा है, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा चाहे कितनी ही कीमतें बढ़ा लो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट का आपको बतला दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, पी कवर हो गया, एम कवर हो गया, बी कवर हो गया, अब आ जाओ एन, अब ईडी एन बिंदु पर, कहां पर है एन बिंदु पर, एन बिंदु का मतलब है एन बी नीचे वाला ऊपर लिखोगे और एन ए ये वाला। अब देखो इसमें देखो ऊपर डिमांड आती है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला एरिया बड़ा है, मतलब डिमांड में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और ये वाला छोटा है, मतलब कीमत में जो प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है, और जब डिमांड ज्यादा होती है तो हमेशा एक से ज्यादा होती है। जैसे मैं अगर कहूं पांच बटा दो तो ये ढाई आया ना भाई, ऊपर वाला बड़ा है तो हमेशा एक से ज्यादा होगा, तो यहां पर यही बात है ईडी एक से बड़ी। अब चलो लास्ट जो हमारा पॉइंट बचता है वो ए बचता है, ईडी ए बिंदु पर बेटा। अब देखो नीचे वाला ए बी, नीचे वाला ए बी, ऊपर कुछ है क्या बच्चों, कुछ है ऊपर, नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ जब हम इसको इस प्रकार से भाग दे रहे हैं तो ये अनंत जाता है बेटा, जीरो से कैसे दिया जाएगा भाग, तो ये ईडी इजिकल्स टू इंफिनिटी या अनंत को दर्शा दिया जाता है, मतलब एक मांग वक्र बनाकर करके आपने पांचों को दर्शा दिया। मैं यहां पर पी बिंदु का भी लिख ही देता हूं, पी बिंदु पर, तो पी बिंदु पर देखें तो पी बी अपॉन पी ए इजिकल्स टू ई डी इजिकल्स टू वन बेटा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो
इस प्रकार से हम मांग वक्र पर जो पांचों हमारी श्रेणियां हैं उसको दर्शा सकते हैं। ये भी ठीक है, इजी है वो। देखिए आप कौन से मेथड को यूज करते हैं वो आपकी मर्जी रहती है, परंतु इजी तीनों ही मेथड है। दो हमने पढ़ लिए, अब हम तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इसको कहा जाता है। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च, टोटल आउटले में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जाती है। मतलब कीमत में जो परिवर्तन आया है, उस कीमत में परिवर्तन आने से हमारा खर्चा कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उस हिसाब से मांग की कीमत लोच मापते हैं। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच के तीन प्रकार होते हैं। तो मार्शल ने ही सिद्धांत दिया था, तो मार्शल के अनुसार जो लोच है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है लोचदार मांग। कैसी होती है? लोचदार मांग होती है। अब देखिए लोचदार जो मांग है उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है? जहां पर ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली आ जाती है और ईडी इज ग्रेटर देन वन वाली आ जाती है। ठीक है, ये दो कैटेगरी लोचदार मांग में आ जाती है। फिर एक एक मांग की लोच, तो इसमें एक ही आती है, ईडी बराबर एक के बराबर आ जाता है। फिर आता है बेलोचदार मांग, जहां पे मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है कीमत की परिवर्तन की तुलना में, तो यहां पर भी दो आ जाएंगी। कौन कौन से आएगी? ईडी इज ग्रेटर देन वन और ईडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तीन बताइए मार्शल ने, लोचदार, एक एक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। अब लोचदार मांग में देख लेते हैं, यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से कुल खर्चा बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है तो मांग लोचदार कहलाती है। अब देखो क्या बोला है कि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से, अगर कीमत में थोड़ा सा चेंज कर दो और खर्चा से कुल खर्चा बढ़ता है, कीमत में थोड़ी सी कमी करने से अगर कुल खर्चा बढ़ता है और कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है तो मांग लोचदार कहलाती है। जैसे कि मान लो बीकानेरी भुजिया, अब आप बीकानेरी भुजिया खाते होंगे, उसकी कीमत 90 रुपए थी और उस पर प्रति किलोग्राम पर इस भुजिया की मांग 400 किलोग्राम थी। मतलब 90 रुपए पे मैं 400 किलोग्राम खरीद रहा हूं, मतलब जो मेरा खर्चा हो रहा है वो 9 चौक 36 और 3 जीरो लगा दूंगा, 36,000 रुपए मेरे खर्च हो रहे। ठीक है, 90 रुपए किलो मेरी बीकानेरी भुजिया की मांग है और 400 किलोग्राम मुझे खरीदनी है, तो 36,000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं। अब मानो यहां पर चेंज हो गया, तो हमने 90 इंटू 400 तो कर लिया, ये तो 36,000 आ गए, 36,000 रुपए मेरे लग रहे हैं। फिर जैसे मान लो कीमत घट गई, कीमत घटकर 800 हो गई है, तो इस पर मांग बढ़कर 550 हो जाएगी। देखिए यहां पर 800 नहीं, 80 रुपए है बेटा। अब कीमत 80 रुपए हो जाए तो मांग बढ़कर के यहां पे क्या हो जाएगी? 550 हो जाएगी। अब इस पर आप लगाओ 55 को 8 से गुना करो, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 44, 440, 10 ये 10 ये 20 ये, अब 44,000। मतलब थोड़ी सी कीमत कम करने से, कीमत थोड़ी सी कम हुई तो हमारा क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, कीमत कम करने से खर्चा कैसे बढ़ गया? क्योंकि कीमत कम करने से मैंने डिमांड को ज्यादा ही बढ़ा दी है। लगाना यार कीमत कम है तो और खरीद लो, पर उससे क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होती है? जो मांग होती है वो लोचदार होती है। चूंकि कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है, अतः ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। मतलब कीमत के घटने पर कुल खर्चा बढ़ रहा है। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्राइस के घटने पर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता है, तो ऐसे में लोच इकाई से अधिक होगा। मतलब ईडी इज ग्रेटर देन वन, एक से अधिक ही होगा। कितना होगा? एक से अधिक होगा। एक एक मांग की लोच बात कर लेते हैं। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर रहती है। मतलब कीमत में अगर थोड़ा परिवर्तन होने से, कुछ भी परिवर्तन होता है और खर्चे में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इकाई के बराबर होगी। जैसे कि पानी की बोतल 10 रुपए कीमत है, उसमें पानी की मांग 400 बोतल है, तो 10 रुपए को मैं 400 बोतल से गुणा कर दूंगा तो मेरा 4,000 रुपए आ जाएगा। कितने लग रहे हैं? 4,000 रुपए लग रहे हैं। पर फिर पानी की जो बोतल है उसकी कीमत घटकर के 8 रुपए हो गई। अब बोतलों की जो डिमांड है वो 500 बोतल है, तो 8 × 500। देखिए हर चीज एक साथ चल रही है। यहां पर जो मांग का नियम है उसको ध्यान रखिए, कीमत गिरने पर मांग बढ़ी रही है, तो 8 × 5 = 40 और ये भी 4,000। मतलब प्राइस के कम करने से जो कुल खर्चा है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो कुल खर्चे वो अपरिवर्तित रहता है, अनचेंजेबल रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो ऐसे में कीमत की लोच इकाई के बराबर रहती है। इसका मतलब ईडी इज इक्वल्स टू 1, ना तो बड़ी ना छोटी, एक के बराबर रहेगी। फिर तीसरा है बेलोचदार मांग। यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च बढ़ जाता है, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, नमक की कीमत 10 रुपए है और 100 किलोग्राम की मांग है, तो 10 रुपए में हम 100 से गुना करेंगे तो 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं।
और यदि नमक की कीमत 8 रुपये हो जाती, मतलब जब 10 रुपये थी मैं 100 नमक के पैकेट खरीद रहा हूँ तो मेरे 1000 रुपये लग रहे हैं, अब कीमत 8 रुपये हो गई है तो, और 110 अपन ने जो पैकेट से वो ले रहे हैं तो अपना कितना आ जाएगा, 880 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो खर्चा है वो कम हो रहा है, जब खर्चा कम हो जाता है तब कीमत की लोच बेलोचदार हो जाती है। अब देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, 3 चीज़ें आपने पढ़ी। पहले में क्या है, जब भी प्राइस में चेंज आए, प्राइस में जब भी परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, और अगर उस पर एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, ईडी इज ग्रेटर देन वन होगा, लोचदार होगी, ईडी इज ग्रेटर देन वन होगा, लोचदार होगी। फिर दूसरा है कि अगर प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता तो वो क्या होगा, ईडी बराबर वन होगी, और अगर प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में बदलाव आने से एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, व्यय है वो कम हो जाता है तो ईडी इज लेस देन वन होगी। ये आज जो आपको इसमें व्यय विधि में, कुल व्यय विधि में पढ़ा है उसका सार है बेटा। प्राइस बढ़ती घटती है, उसके कारण खर्चा अगर बढ़ जाता है तो आपका ग्रेटर देन वन है, अगर प्राइस बढ़ती घटती है पर खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो आपकी ईडी बराबर वन रहेगा, और प्राइस में चेंज आने से खर्चा घट जाता है तो वो आपका ईडी इज लेस देन वन होगा, जो कि इसको क्या कहा जाता है, बेलोचदार कहा जाता है। अतः लोचदार मांग के संबंध में कीमत व कुल खर्च विपरीत दिशा में होते हैं। तो अगर लोचदार मांग में देखिए, अब लोचदार मांग देखो, आप लोचदार मांग में क्या बोला, कीमत व कुल खर्च में विपरीत दिशा में होता है। देखो कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है खर्चा गिर जाएगा, और ये जो है अगर कीमतें घटी तो खर्चा आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना, विपरीत दशा है। सिर्फ और सिर्फ लोचदार मांग की ये बात बताइए। इस विधि की सबसे बड़ी सीमा, सीमा का मतलब ये होता है कि उसका थोड़ा सा जो डीमेरिट है या जो उसकी क्या आ जाता है, एक लिमिटेशन है, कमी जो है इस विधि की, ये है कि इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि लोच एक से ज्यादा, एक से कम या एक के बराबर होगी, लोच का सही मापन इस विधि से संभव नहीं है, ठीक है। अब हम ये तो पता लग सकते हैं एक से ज्यादा, एक से कम या एक के बराबर, पर कितनी है, एग्जैक्टली कितनी है वो नहीं पता लगा पाएंगे। ये इस जो कुल व्यय विधि है इसकी सबसे बड़ी कमी या डीमेरिट या सीमा माना जाता है। ओके, इसी के साथ आज जो हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर और हमारा चैप्टर बड़े 20 लेक्चर्स के बाद आज कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम VST के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जो कि उत्पादन तथा लागत है। आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो, इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, पूरे चैप्टर में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे मस्त लगा कि यहाँ सर मजा आ गया, ये टॉपिक तो मतलब खूब बिंदास, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल दिमाग में उतर गया। आज की तीनों विधियों में से आपको कौन सी सबसे अच्छी विधि लगी बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।